हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस मंडे, वे टू सक्सेस। आई एम योगेश, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ सक्सेस मंडे एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था आपके साथ कि 40 डेज़ का एक क्रैश कोर्स लिया जाएगा, जिसमें हम मॉक टेस्ट बेस्ड आपका जो सिलेबस है जीके का वो कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो जीके का जो क्वेश्चन है गाइस, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज का आपका सेशन रहेगा वो एंशियंट हिस्ट्री, मतलब प्राचीन भारत के जो क्वेश्चन आपके SSC एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं और आगे जो पूछे जा सकते हैं, वो सभी आपके एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस और साथ में आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। अप्रोक्सीमेटली आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चंस हैं, जो कि हम सेशन वाइज लगभग 3 सेशंस में हम एंशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के जितने भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सब कवर करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल आप सभी के लिए रहने वाला, तो एक बार अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। कोई प्रॉब्लम आती है किसी तरह की तो आप कमेंट करके अपने डाउट रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार बता दीजिए वॉइस वीडियो सब क्लियर है कि नहीं है, किसी तरह का कोई बफरिंग का इशू तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ये जो क्लासेस हैं आपकी 40 डेज़ का एक तरह से क्रैश कोर्स रहेगा, जिसमें हम पूरा जीके जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं पूरा जीके हम कवर करेंगे SSC CGL और CHSL के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है और आपको टाइम मिलेगा 20 सेकंड का, तो तब तक एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं एक बार टाइमर को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, टाइमर भी सेट हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपका, हु वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, आपको 20 सेकंड मिलती हैं, 20 सेकंड के अंदर अपना आंसर सबमिट कीजिए। ऑप्शंस आपके साथ बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक और बिम्बिसार, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कीजिए इसका, 20 सेकंड आपके पास हैं। ओके गाइस, तो टाइम यहाँ पर आपका खत्म हो चुका है। क्वेश्चन था कि हु वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के सन का इसने नाम पूछा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो सन थे बेटा वो थे बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार थे। और यहाँ पर एक अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिंदुसार के पुत्र का नाम, जो कि काफ़ी फेमस रूलर रहे हैं मौर्य डायनेस्टी के, तो वो रहे हैं, इनके पुत्र का नाम था अशोक, ठीक है। बिंदुसार किसके पुत्र थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, ओके, जो कि काफ़ी ग्रेट रूलर रहे हैं मौर्य डायनेस्टी के। तो यहाँ पर आंसर एक आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वही आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, यहाँ पर आपको मैच करना है। तो क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर आ गया, 20 सेकंड आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए इसका कि राइट आंसर क्या रहेगा। ओके, तो गाइस 20 सेकंड है आपके पास, वो खत्म हो चुके हैं। तो क्वेश्चन आपका मैच करना था गौरीशंकर देवीलाल के साथ, यहाँ पे कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं, इनके साथ मैच करना था फ्लूट, और सेकंड है चित्रकला, और थर्ड है इनका कथक, और फोर्थ है तबला, ठीक है, मैच करना था। तो यहाँ पर गौरीशंकर देवीलाल किसके लिए जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं गाइस कथक के लिए, ठीक है। गौरीशंकर देवीलाल जाने जाते हैं किसके लिए, कथक के लिए। सेकंड है आपका हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं फ्लूट के लिए। तो फर्स्ट का जो मैच होना है वो होना आपका सी के साथ, सेकंड का जो मैच होना है वो होना आपका ए के साथ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं थर्ड की, थर्ड पे है यहाँ पर MF हुसैन, ठीक है, MF हुसैन है, जाकिर हुसैन नहीं है, MF हुसैन पेंटिंग के लिए, और जाकिर हुसैन का आप सभी को पता है, जाकिर हुसैन तबले के लिए वो काफ़ी फेमस रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो मैच होगा, फर्स्ट का जो मैच होना है वो होना कथक मतलब सी के साथ। ऑप्शन में देख लेते हैं, फर्स्ट का सी मतलब पहले दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए हैं, बचा आपके पास ऑप्शन 3 और 4, ठीक है। सेकेंड देख लेते हैं हरिप्रसाद चौरसिया का क्या बताया, अभी मैंने फ्लूट बताया था, तो सेकंड का ए के साथ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी मतलब थर्ड में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर रहना है। तो गाइस, थोड़ा सा मैं सेशन के बारे में, इस क्रैश कोर्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। जो पहली बार स्टूडेंट्स आए हैं, ये जो क्रैश कोर्स है गाइस आपका 40 डेज़ का क्रैश कोर्स रहेगा, जो कि आपका SSC CGL और CHSL दोनों के लिए हेल्पफुल है। इसमें हम जीके के जितने भी पोर्शंस बनते हैं, जितने भी सेक्शन हैं जीके में, सभी कवर करेंगे, वो करेंगे हम MCQ टाइप,
मतलब एक तरह से आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। जो क्वेश्चंस होंगे वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बन सकते हैं वो सभी इन सेशंस में आपके कवर कराए जाएंगे। साथ में जितने भी जीके के आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, चाहे वो आपके एंशंट हिस्ट्री के हों, मेडिवल हिस्ट्री के हों, या हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिक, जो भी हैं आपके, सभी वो आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके लिंक एक दो दिन में अपडेट कर दिए जाएंगे वीडियो के, हर एक जो भी वीडियो आ रही है नहीं उनके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपके पास 22nd है, हु रोट न्याय सूत्र, न्याय सूत्र किसने लिखी थी? तो ऑप्शन आपके पास व्यास, गौतम, कपिल, चरक। तो गाइस यहाँ पर आपका जो टाइम वो खत्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन था न्याय सूत्र किसने लिखे, तो न्याय सूत्र एक सबसे पहले तो क्वेश्चन यही मन में आता है कि न्याय सूत्र क्या है। ये एक प्राचीन समय का, मतलब एक एंशियंट टाइम का एक संस्कृत टेक्स्ट है, ठीक है। संस्कृत में लिखा हुआ एक लेख है न्याय सूत्र, जो कि किसने लिखा था, वो लिखा था गौतम ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका राइट आंसर रहना था, ओके। तो ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वही आपके पास 20 सेकंड है। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खालिस्तान को किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि कहा जाता था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके बनेंगे इस तरह के क्वेश्चन, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका, फिर आगे हम बात करते हैं। ओके, तो 22nd है वो गाइज आपकी खत्म हो चुकी है। इस क्वेश्चन में पूछा है चोल अभिलेखों के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो किसी विद्यालय के रख रखाव की जो भूमि थी उसको क्या कहा गया था, ठीक है। तो उसको क्या कहा गया था, उसको कहा गया था सलाभोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा, ओके। यहाँ पर काफी तरह की जो लैंड्स जिनको इस इंस्क्रिप्शन में, इस अभिलेख में जो डिनोट किया गया था, जैसे कि एक आपका है देवदाना, ठीक है, देवदान, यहाँ पर जो था वो था जो लैंड टेम्पल्स को, ठीक है, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, जो मंदिरों को दान दी गई थी जो भूमि, उसको क्या किस नाम से जानते थे, उसको जानते थे देवदान के नाम से, ठीक है। एक था आपका यहाँ पर ब्रह्मदेय, ठीक है, ब्रह्मदेय वो जो कि ब्राह्मण्स को गिफ्ट की गई थी, और एक है यहाँ पर आपका विल्म गाय जो कि नॉन ब्राह्मण्स को गिफ्ट की गई थी, ओके। इसके साथ एक फोर्थ नंबर पे आपका बनेगा वो आपका पलिचंद्रम, ठीक है, पलिचंद्रम वो जो कि जैन, जो जैन है, जैन को जो लैंड गिफ्ट की गई थी उसको किससे, उससे उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था पलिच। तो यहाँ पे चारों पांचों जो लैंड्स का डिस्क्रिप्शन था इस इंस्क्रिप्शन में वो बता दिया गया है, आगे क्वेश्चन आएंगे तो गलत मत करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 20 सेकंड वही आपके पास, रुक्मणी देवी अरुंदेल नृत्य के किस रूप में के प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर रही, ठीक है। ये आपका आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया सेशन की स्टार्टिंग में कि इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आज के सेशन में कवर करेंगे। तो इसका जल्दी से आंसर बता दीजिए कि फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। तो टाइम था जो आपका 20 सेकंड का वो खत्म होता है। यहाँ पर ऑप्शन थे आपके ओपेरा, लावणी, भरतनाट्यम या फिर डांडिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रुक्मणी देवी, तो रुक्मणी देवी किसके लिए फेमस रही, वो रही भरतनाट्यम के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले गाइस अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बेटर कंटेंट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है और वीडियो को शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी की बनती है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका रुक्मणी देवी, ये क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पर हम आ गए, ठीक है। सांची स्तूप है वो किसने बनवाया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो गाइस यहाँ पर 20 सेकंड का जो टाइम था वो आपका खत्म होता है, ठीक है। सांची स्तूप है वो किसने बनवाया था, आप सभी को पता है कि वो किसके द्वारा बनवाया गया था, वो बनवाया गया था अशोक के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डांडिया इज ए फॉर्म ऑफ डांस एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। डांडिया लोक नृत्य वो कौन सी स्टेट से संबंधित है, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जो मैसेज कर रहे हैं वो कंटिन्यू आप करते रहें, जैसे ही टेक्निकल टीम सपोर्ट टीम है वो आपको रिप्लाई कर देगी, ठीक है। जैसे ही कनेक्शन बनता है वो रिप्लाई कर देगी, या फिर जैसे मेरे को टेक्निकल सपोर्ट टीम की तरफ से मैसेज शो यहाँ पर होगा तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है।
आप मैसेज करते रहना। तो यहाँ पर क्वेश्चन था आपका डांडिया किस राज्य का नृत्य है, तो वो आप सभी को पता किसका है। सेवंथ क्वेश्चन जो रहेगा आपका डांडिया नृत्य किसका है, वो गुजरात का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनेगा, अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, ध्यान से देखना, इनकरेक्ट गलत पूछा है इसने, तो ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करना। ओके, तो 20 सेकेंड थी गाइस, वो आपकी खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ पर इसने गलत पूछा है, तो अमजद अली खान के साथ इसने मैच किया है तबला, उस्ताद बिस्मिल्ला खान के साथ इसने मैच किया है सैनाई, जो कि बिल्कुल सही है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम के लिए फेमस है, वो भी बिल्कुल सही है। शंभू महाराज ये कथक डांस के लिए फेमस है, ये भी बिल्कुल सही है। जो गाइस अमजद अली खान है वो तबला से रिलेटेड नहीं है, ये थे सरोद से, ठीक है, ये थे सरोद से। ओके, किससे, सरोद, SAROD, ओके, स्रोत से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपका, ध्यान से मैच करके राइट आंसर करना, ठीक। ओके, 20 सेकेंड्स गाइज आपकी खत्म होती हैं, और काफ़ी सारे बच्चों का आंसर आ भी गए हैं। तो यहाँ पर इसने मैच बोला था, बिल्कुल राइट मैच बोला था, सही मैच करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, स्टार्टिंग में दिया गया यहाँ पर लिंगराज टेम्पल, ठीक है। लिंगराज टेम्पल ये कहाँ पर है, ये इसने मैच किया इसका उड़ीसा के साथ, ठीक है। जो लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में, वो इसने सॉरी मैच किया है भगवान महावीर के साथ। ओके, सेकेंड आपका तिजारा मंदिर जो कि राजस्थान के अंदर है, वो इसने मैच किया भगवान विष्णु के साथ। और थर्ड है यहाँ पर वेंकटेश्वर मंदिर, जो कि इसने भगवान शिव के साथ मैच किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैच करना है, बिल्कुल सॉरी ऑप्शंस में दिए गए हैं, यहाँ पर मैच करना है, राइट मैच करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपका, जो पहला मैच बनेगा, जो उड़ीसा के अंदर लिंगराज टेम्पल है, वो किसका है, वो भगवान शिव का है, ठीक है। फर्स्ट का मैच होगा यहाँ पर शिव के साथ। सेकेंड बात करते हैं, जो राजस्थान के अंदर तिजारा जो मंदिर है, वो है जो तिजारा मंदिर है वो किसका है, वो है भगवान महावीर का, तो सेकंड के साथ मैच होगा यहाँ पर बी का, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, फर्स्ट सी और सेकंड ए, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान महावीर की बात की थी ना हमने, सेकंड ए, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट रहेगा कि जो लिंगराज मंदिर है उड़ीसा के अंदर, वो है भगवान शिव का। तिजारा मंदिर राजस्थान, वो किसका है, भगवान महावीर का। और वेंकटेश्वर टेम्पल जो तिरुपति के अंदर है, वो किसका है, वो भगवान विष्णु का है, ठीक है। तो ये आपका राइट मैच रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और इसके लिए भी आपको 20 सेकंड मिलते हैं। कोणार्क सन टेम्पल वो किसने बनवाया, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और साथ में ये भी बताना आपको कि कब बनाया गया, ठीक है, साथ में ये भी बताना आपको कि कब बनवाया गया और कहाँ पर बनवाया गया। तीन क्वेश्चन मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछता हूँ, किसने बनवाया, कब बनवाया और कहाँ बनवाया। 5 सेकंड और अलग से दे देता हूँ मैं इसके लिए आपको। ओके, तो यहाँ पर बात थी कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था, वो बनवाया था नरसिम्हा देव प्रथम ने। और अब बात आई थी कब बनवाया था, तो ये बनवाया था 1255 में, 13वीं सदी कह लीजिए, या फिर अगर क्वेश्चन आए सन पूछे तो 1255। और कहाँ पर है, ये है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से आपका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से मैच करके इसका आंसर कीजिए, 20 सेकेंड आपको मिलती हैं। यहाँ पर कौन सा उत्सव, कौन सा फेस्टिवल, कौन सी स्टेट का, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपका टाइम खत्म होता है। ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन, पहला पूछा इसने गणगौर, गणगौर जो उत्सव है, फेस्टिवल है गाइस, वो है राजस्थान का, ठीक है, कहाँ का है, राजस्थान का है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी कहाँ पर ज्यादा, गणेश चतुर्थी कौन से स्टेट का, कौन से राज्य का फेमस फेस्टिवल है, वो है महाराष्ट्र का, ठीक है। तो फर्स्ट का किसके साथ मैच हुआ है, बी के साथ हुआ है, और सेकंड का मैच हुआ है सी के साथ, ठीक है, और थर्ड का मैच यहाँ पर बच गया एक आपका ए, तो
तो यहाँ पर फर्स्ट का बी, सेकंड का सी और थर्ड का ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वो आपको यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है गाइस वो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा एंशेंट हिस्ट्री के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसकी पीडीएफ का लिंक साथ में पूरे साल के 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक की जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उसकी पीडीएफ का लिंक ये मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको सक्सेस पॉइंट ए वे टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन पे टैप करना होगा ताकि जैसे ही सेशन स्टार्ट हो अगला उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप लाइव क्लास में हमारे साथ जुड़ जाओ। तो नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, ध्यान से बनाना, इनकरेक्ट बताना है आपको, कहीं करेक्ट बना के आप करेक्ट का आंसर करो। तो यहाँ पर जो टाइम था वो आपका खत्म होता है गाइज। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट है मुथुस्वामी दीक्षित, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कर्नाटक संगीत, और सेकंड है आपका परवीन सुल्ताना गायिका, यहाँ पर लिखा है MS गोपाल कृष्ण वायलिन वादक लिखा है, और सेकंड फोर्थ नंबर पे लिखा नंदलाल बोस जो कि फ्लूट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ है वही गलत है कि नंदलाल बोस वो पेंटिंग के लिए फेमस रहे हैं, ठीक है, फ्लूट के लिए नहीं रहे हैं, किसके लिए रहे, पेंटिंग के लिए। गाइस कुछ टेक्निकल एरर्स चल रहे हैं, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, इसमें भी आपका मैच द फॉलोइंग बताना है। तो यहाँ पर टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पर डांसर और डांस, कौन से डांसर किस डांस के साथ मैच करते हैं, ठीक है। तो जो टाइम अब आपका गाइस खत्म हो गया है, तो यहाँ पर है राधा रेड्डी, तो जो राधा रेड्डी हैं, जो राधा रेड्डी वो किसके लिए फेमस हैं, वो फेमस हैं इसके लिए कुचिपुड़ी डांस के लिए, ओके। और सेकंड है आपका पद्म सुब्रमण्यम, पद्म सुब्रमण्यम वो किस डांस के लिए फेमस हैं, वो हैं भरतनाट्यम के लिए, ओके। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट का जो मैच हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, सेकंड सी के साथ, सॉरी सी के साथ हो रहा है, सेकंड का जो मैच हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, यहाँ पर ए के साथ हो रहा है। तो हम ऑप्शन में यही देख लेते हैं, फर्स्ट का सी सेकंड का ए, आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आपका एक बच्चा सितारा देवी, वो किसके लिए है, वो कथक के लिए फेमस रही है, याद रखना, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी के लिए, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम के लिए, और सितारा देवी कुचिपुड़ी डांस के लिए यहाँ पर फेमस रहेंगी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माधुरी दीक्षित है वो किस डांस से एसोसिएट करते हैं, ठीक है, किस से संबंधित है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, आई थिंक ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। एक मैच द फॉलोइंग में हम क्वेश्चन कर चुके हैं माधुरी दीक्षित किस डांस से एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पर जो टाइम था वो आपका खत्म हो गया है, और टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, माधुरी दीक्षित किससे बिलोंग करते हैं, वो भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है, भरतनाट्यम डांस से वो संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, सॉरी भरतनाट्यम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जो नीचे डांस आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, माधुरी दीक्षित किससे, कथक से, बिल्कुल सही, ठीक है, कथक से यहाँ पर वो एसोसिएट मतलब संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर कलाकार और उनकी कला, कौन सा कलाकार किस कला से संबंधित है, तो गाइज यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। आपका जो टाइम लिमिट थी वो खत्म हो गई है, इसने मिलान करने के लिए मतलब मैच करने के लिए बोला है आर्टिस्ट और किस आर्ट के साथ वो एसोसिएटेड मतलब किस आर्ट से वो संबंधित है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर नाम दिया गया क्वेश्चन में यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं वो क्या रहे हैं, वो एक
अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो एक रही हैं भरतनाट्यम डांस डांसर, ठीक है, भरतनाट्यम इनका से ये संबंधित थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका एम एस सुब्बलक्ष्मी, ठीक है, सुब्बलक्ष्मी वो क्या रही हैं, वो रही हैं यहाँ पर एक गायक रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, यामिनी कृष्णमूर्ति वो भरतनाट्यम डांस से संबंधित थी, एम एस सुब्बलक्ष्मी वो गायक रही हैं, वो गायक से संबंधित गायिका से संबंधित थी। नेक्स्ट है विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ठीक है, वो रहे हैं एक संगीतकार, म्यूजिशियन, ठीक है, म्यूजिशियन और वोकलिस्ट, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है, ध्यान से रखना, गायक और संगीतकार दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर का, तो वो म्यूजिशियन रहे हैं, और अगर हम बात करें लास्ट में पंडित शिव कुमार शर्मा, तो वो संतूर से ही संबंधित थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें देखते हैं, तो फर्स्ट का सी बना है, सेकंड का ए बना है, थर्ड का मैच बना है बी के साथ, और फोर्थ का मैच बना है यहाँ पर डी के साथ। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का डी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया। तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। तो मैं एक सजेशन आप सभी को देना चाहूँगा, साथ में अपनी नोटबुक में इनके जितने भी मैच हम कर रहे हैं, साथ में आर्टिस्ट आर्ट या फिर जो भी म्यूजिशियन है उनका म्यूजिक, या फिर हम बात करें जो भी डांसर डांस, जिस भी तरीके के हम मैच कर रहे हैं, सभी के आप नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टाइम लिमिट है आपकी जो 20 सेकंड की, वो आपकी फिर से स्टार्ट हो गई है, फिर से क्वेश्चन आपका मैच का है, तो काफ़ी परेशान हो गए होंगे आपके मैच मैच कर करके, दो चार क्वेश्चन और होंगे मैच के आई थिंक, तो उनको जरूर ध्यान से रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। तो गाइस जो टाइम लिमिट थी आपको मिली थी, वो आपकी यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है। यहाँ पर मैच करना है, तो पहला आपका यहाँ पर वीरदेश्वर मंदिर है, ठीक है, मंदिर और उनकी लोकेशन दी गई है। तो वीरदेश्वर मंदिर है, आप सभी को पता है कहाँ पर है, ये है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। वीरदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर, मतलब फर्स्ट का मैच किसके साथ बन रहा है, पी के साथ बन रहा है। सेकेंड आपका दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, जल्दी से आंसर करके बताइए, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, ये है राजस्थान के अंदर, ठीक है। सेकेंड का ऑप्शन बन रहा है डी के साथ। थर्ड आपका लिंगराज टेम्पल, ठीक है, थर्ड आपका लिंगराज टेम्पल, ये कहाँ पर, ये उड़ीसा के अंदर है, थर्ड का मैच बन रहा है ए के साथ। और फोर्थ आपका हम्पी ग्रुप मोन्यूमेंट्स, जो हम्पी के जो स्मारकों का समूह है, वो कहाँ पर, एक ही ऑप्शन बचा आपका कर्नाटक, ओके। तो फोर्थ का ऑप्शन जो मैच बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, सी के साथ है। तो फर्स्ट का बी, थर्ड का सॉरी सेकेंड का डी, थर्ड का ए, और फोर्थ का सी किस में है, वो आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपका, और आपकी जो टाइम लिमिट है वो भी स्टार्ट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नागानंद से हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया है, तो इसका जल्दी से आंसर कर दीजिए। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी, तो गाइस जो टाइम लिमिट मिली थी आपकी वो खत्म होती है। यहाँ पर इसने पूछा नागानंद की रचना किसने की थी, एक संस्कृत लैंग्वेज का एक नाटक था, याद रखना, किसने की थी इसकी रचना, इसने की थी हर्षवर्धन ने, ठीक है। इनकी दो और फेमस रचनाएं रही हैं, रत्नावली और प्रियदर्शी का, ठीक है, याद रखना, रत्नावली और प्रियदर्शी का भी इनकी दो फेमस नाटक रहे हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो हर्षवर्धन के तीन फेमस नाटक हैं, नागानंद और साथ में रत्नावली और प्रियदर्शी का, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज ए रिनाउंड वोकलिस्ट, ठीक है, इनमें से एक प्रसिद्ध गायक कौन रहे हैं, कौशल रेड्डी, मंजीत भाभा, राजा रवि वर्मा, या फिर पंडित जसराज, काफी फेमस रहे हैं, काफी नाम रहा है इनका। तो यहाँ पर जो टाइम लिमिट थी वो खत्म होती है, जो आंसर आपका बिल्कुल सिंपल सा आंसर था, सभी को पता है पंडित जसराज इनमें से एक ऐसे हैं जो काफी फेमस रहे हैं, ठीक है, पंडित जसराज यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ओके, तो यहाँ पंडित जसराज कहाँ से, अगर बात करें बिलोंग्स कहाँ से करते थे, तो ये करते थे मेवाती घराना से, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका टाइम है स्टार्ट हो गए हैं, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्यांगना इनमें से है, वो है यहाँ पर सोनल मानसिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहना था, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता किसको माना गया है, ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और एक बार गाइज अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आके इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकें। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे, दो सेशन और होंगे आपके एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पे, आपके अप्रोक्सीमेटली 150+ क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री से करा दिए जाएंगे जो आपके पूछे जाते हैं बार बार। ओके, तो 10 सेकेंड मैं ज़्यादा दे गए हूँ बातें करने के चक्कर में, तो यहाँ पर सभी का आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंद्र, ठीक है, इंद्र देवता को ऋग्वेद में सबसे प्रमुख माना गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि जल्लीकट्टू एक अभी कुछ ही दिनों पहले काफ़ी न्यूज़ में रहा, काफ़ी फेमस रहा है, काफ़ी चर्चा रही थी जल्लीकट्टू की, तो इस जल्दी से बता दीजिए जल्लीकट्टू है वो किस त्यौहार का एक हिस्सा है। अभी कोई 10-15-20 दिन पहले ही काफ़ी चर्चा में रहा था, न्यूज़ में काफ़ी रहा था, तो ध्यान से आंसर करना है इसका, जो टाइम था वो ख़त्म हो गया, तो जल्लीकट्टू वो किसका हिस्सा है, वो पोंगल त्यौहार का हिस्सा, ठीक है, किसका है, पोंगल का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु अमिड्स द फॉलोइंग इज ए डिस्टिंग्विश्ड पेंटर, इनमें से एक विशिष्ट चित्रकार कौन रहे, ये क्वेश्चन गाइज एसएससी एग्जाम से पूछा गया, जो कि आपके 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो खत्म होता है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका चित्रकार, तो इनमें से एक ही चित्रकार का नाम दिया गया वो है अमृता शेरगिल का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जापानीज आर्ट इकबाना इज रिलेटेड टू, ठीक है, जो इकबाना है वो किससे संबंधित है, इकबाना एक की कला है, एक आर्ट है, उसका पूछा कि वो किससे रिलेटेड है। ओके, पेपर फोल्डिंग से है, या फ्लावर अरेंजमेंट से है, या फिर ट्री कटिंग से है, या फिर वो सैंड आर्ट से है, ठीक है, मतलब रेत पर जो चित्रकारी की जाती है उससे संबंधित, किससे है, तो जो इकेबाना है गाइस, टाइम लिमिट आपकी ख़त्म हो गई है, इकेबाना वो फूलों को सजाने की एक कला है, ठीक है, एक जापानी कला है जो कि फूलों को सजाने की, उसमें अलग अलग तरीके से मीन्स एक कला है फूलों को सजाने की, उसका नाम क्या है, इकेबाना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिग लैंडलॉर्ड्स और वेरियस चीफ्स इन द 7th century वर एक्नॉलेज्ड एज डैश बाई द एग्जिस्टिंग किंग। ओके, 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरकार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे, क्वेश्चन ये है आपका, तो जल्दी से बता दीजिए किस रूप में माना जाता था उनको, तो टाइम यहां पर खत्म हो गया है, तो उनको माना जाता था सामंत, उनको किस नाम से जाना जाता था, सामंत के नाम से जाना जाता था। ओके, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अलबेरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता उसका नाम क्या था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2017 और जो 18 के जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसमें, और जो अभी जीडी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर करना, और अगर आपको नहीं पता है तो याद रखना, जो अलबेरूनी है उसने एक अरबी में एक लिखी एक किताब थी जिसमें उपमहाद्वीपों का जो उल्लेख मिला उसको जानते हैं, किताब अल हिंद के नाम से, किस नाम से, किताब अल हिंद के नाम से, तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज धामिक स्तूप लोकेटेड, ठीक है, और साथ में ये भी बताना है आपको कि किसने बनवाया और कब बनवाया, धमेक स्तूप किसके द्वारा बनवाए गए, कब बनवाए गए, साथ में आपको ये भी आंसर करना है। ओके, लोकेशन तो क्वेश्चन में ही पूछिए कि कहाँ पर है, ठीक है, तो देख लेते हैं राइट आंसर इसका क्या रहेगा, धमेक स्तूप है गाइस, वो बनवाया गया वाराणसी के अंदर, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा, किसके द्वारा बनवाया गया था, अशोक के द्वारा, और कब, 249 BC में।
ठीक है, याद रखना 249 BC में अशोक के द्वारा कहाँ पर बनवाया गया, वाराणसी के अंदर। किसकी बात करें हम बात करें धमे स्तूप की बात कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा। ठीक है, जो नालंदा महाविहार है उसका निर्माण किसने करवाया, किसने शुरू करवाया। ओके, ऑप्शन है धर्मपाल, अशोक, कुमार गुप्त या फिर हरिहर। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर जिनका भी आ रहा है, कुमार गुप्त, बिल्कुल राइट आंसर। अशोक जो आंसर करें बच्चे गलत कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा, जो कि नालंदा महाविहार है उसका जो निर्माण शुरू करवाया गया वो करवाया गया था कुमार गुप्त के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया था, कुमार गुप्त के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल या फिर मेवाड़ स्कूल, ये किसके स्कूल में किससे संबंधित है। ठीक है, किस तरह की चित्रकला से रिलेटेड है, तो ये सभी जो स्कूल्स हैं, या हम बात करें बीकानेर की, जयपुर के स्कूल्स की, या फिर मारवाड़ स्कूल, या फिर हम बात करें मेवाड़, ये देखो सभी जो हैं आपके ये राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है और सभी क्या है वो राजपूत घरानों से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्रकला देखी जाती है वो देखी जाती है राजपूताना पेंटिंग्स देखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वही टाइम लिमिट आपके 20 सेकेंड है, अजंता एंड एलोरा, जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं। इससे आसान क्वेश्चन आई थिंक इस सेशन का कोई भी नहीं हो सकता है, जो बच्चे एस एस सी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक नींद में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जल्दी से आंसर कीजिए। तो सभी को पता है अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहां पर हैं, बिल्कुल महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं, जो लावणी है, लावणी लोक नृत्य है एक, वो कौन सी स्टेट का है। ठीक है, ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो गाइस टाइम लिमिट है वो 20 सेकंड की मिलती है आपको पर क्वेश्चन, वो आपकी खत्म होती है। लावणी जो लोक नृत्य है वो गाइस वो है आपका महाराष्ट्र का। ठीक है, वो किसका है, महाराष्ट्र का है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मैन, देखो लैंड के क्वेश्चन हम कर चुके थे 16 इंस्क्रिप्शन के, तो वो ही क्वेश्चन सब आपके रिपीट होंगे, सभी का मैंने बताया था, आई थिंक अब गलत किसी का नहीं होना चाहिए। इसने पूछा जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था, ठीक है, तो जो टाइम लिमिट थी आपकी वो खत्म होती है। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था, पल्लीचंद्रम। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको क्या कहा जाता था, पल्लीचंद्रम, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों, किसानों या स्वामी की भूमि को, ठीक है, जो ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, वेलन वेगाई रहेगा। ओके, क्या रहेगा, वेलन वेगाई। स्टार्टिंग में ही मैंने सभी के 4 से 5 तरह के लैंड्स के बारे में आपको नाम बता दिए गए थे सभी के, तो वो आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए, तो उस टाइम पे अगर नहीं किए तो एक बार अभी साथ के साथ नोट डाउन इनको करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुम्ज, गोल गुम्ज कहाँ पर है। और साथ में ये बताना है कहाँ पर है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन, और इसी के साथ साथ ये कब बनवाया गया और किसके द्वारा बनवाया गया। तो टाइम है वो आपका खत्म होता है, जो गोल गुम्ज है, ठीक है, गोल गुम्ज है वो कहाँ पर है, वो कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर कहाँ पर, अगर हम कर्नाटक के अंदर अगर हम बात करें तो कहाँ पर है, बीजापुर के अंदर। ठीक है, जिसको बीजापुर का मकबरा भी कहा जाता है। ठीक है, ये किसका टॉम रहा, ये रहा मोहम्मद आदिल शाह का। किसका रहा, मोहम्मद आदिल शाह का। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, याकूत के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया, 1656 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी। ठीक है, सबसे पहले तोमर राजपूत राजपूतों की राजधानी बनी थी, सबसे पहले कौन सी बनी थी, तो ऑप्शन दिल्ली, पाटलिपुत्र, कोलकाता या फिर तक्षशिला।
ओके, तो टाइम है आपका वो यहाँ पर जो टाइम लिमिट थी वो आपकी खत्म होती है। ओके, तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा दिल्ली। ठीक है, सबसे पहले तोमर राजपूतों की जो राजधानी बनी थी वो कौन सी बनी थी? दिल्ली बनी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मैंशन इन द छोला इंस्क्रिप्शन, डैस वॉज नोन एज द लैंड ऑफ गिफ्टेड टू टेम्पल्स। ठीक है, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट यही बताया था मैंने, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए क्या रहेगा। ओके, तो टाइम खत्म होता है आपका। ठीक है, टेम्पल्स मतलब भगवानों को गिफ्ट की गई, यहाँ पर रहेगा आपका देवदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रथम वॉज द सन ऑफ, जो राजेंद्र प्रथम है वो किसके पुत्र थे? बिल्कुल ठीक है, आपका जो टाइम है वो खत्म होता है। तो राजेंद्र प्रथम रहे वो राजराजे प्रथम के पुत्र रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग गर्ल्स के चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है इस चित्रकार के बारे में हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो थोड़ा सा माइंड में रखना, ध्यान रखो पीछे हम किसके बारे में बात कर चुके हैं। ओके, तो टाइम लिमिट आपकी ख़त्म होती है। जो यंग गर्ल्स है गाइस वो किसका फेमस चित्र रहा है, वो रहा है फेमस एक वर्क रहा है, वो रहा है अमृता शेरगिल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वही है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, ब्राह्मणों को दी गई जो गिफ्ट में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण। ठीक है, यहाँ से भी आपको हिंट मिल रहा है। ओके, तो टाइम लिमिट आपकी ख़त्म होती है। तो यहाँ पर हम बात कर चुके थे जो ब्राह्मणों को जो गिफ्ट में जो लैंड दी जाती थी उसको कहा जाता था ब्रह्मद्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन। ठीक है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन है? ठीक है, दरबारी कवि कौन रहे हैं राजा हर्षवर्धन के? और किसी कोई नेटवर्क इशू बने हुए हैं तो गाइस एक बार बफरिंग का अगर इशू बनता तो रिफ्रेश कर लीजिए। ओके, तो टाइम लिमिट आपका जो खत्म होता है। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कभी पूछा है इन्होंने, तो सभी को पता कौन रहे हैं? वो रहे हैं बाण भट्ट। ठीक है, बाण भट्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर रहना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वही है छोला किंगडम मोस्टली रूल्ड विच रीजन ऑफ इंडिया, जो छोला किंगडम था। ठीक है, जो चोल वंश है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत रही है। ठीक है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन उन्होंने किया था? तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या फिर साउथ? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा गाइस आपको जो 40 क्वेश्चन है वो बनेगा, चोल वंश रहा वो साउथ में फेमस रहा। ठीक है, साउथ में इन्होंने इंडिया के ऊपर काफी रूल किया। ठीक है, तो साउथ के रूलर्स रहे हैं चोल वंश के शासक, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा दक्षिण रहेगा। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वो आ गया है कि हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ पर है। ठीक है, हम्पी के स्मारकों का समूह कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल, गुजरात, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो गाइस टाइम लिमिट खत्म होती है। हम्पी के स्मारकों का समूह कहाँ पर है? वो है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है होना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धमक स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो क्वेश्चन हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका आई थिंक अभी इस क्वेश्चन का आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, धमक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था?
टाइम लिमिट खत्म होती है, तो यहाँ पर सभी हम इक्वेशन कर चुके हैं, तो सभी को पता है ये किसने इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, अशोक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ओके, तो कुछ यहाँ पर नेटवर्क इश्यूज बने हुए हैं गाइस, कंटिन्यू सर्वर पे एरर दिखा रहा है। तो इस सेशन को आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगले सेशन में करेंगे। हमने कहा था कि तीन सेशन में हम एंशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो दो सेशन और बचे हैं आपके, तो बाकी क्वेश्चन आपके अगले सेशन में कराए जाएंगे। तो ये आपका 40 डेज का जीके का कंप्लीट क्रैश कोर्स है, जो कि आपका डेली डे बाय डे आपका चलता रहेगा। ओके, इसी के साथ साथ हम चारों सेक्शंस के मॉक टेस्ट भी करेंगे बीच बीच में। तो आप इन क्लास को ज्वाइन जरूर करें। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सक्सेस मंडे वे टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन पर टैप करके ऑल पे डालना है, ताकि जैसे ही कोई भी क्लास स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लाइव क्लास में हमारे साथ जुड़ जाओ। ओके, तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हुआ। बीच में कुछ परेशानी आई थी, नेटवर्क इश्यूज भी रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। ये सभी आपको शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी की बनती है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर वेल विश, गुड लक, सक्सेस पॉइंट।